हाँ चलो, तो जहां तक हमने देखा है उसके आगे देखते हैं। खुशी मार्क्स कम आए तुम्हारे? क्यों बहुत कम मार्क्स आए? तुम्हारे कितने आए उषा? मैं कल बताऊं। मैं बोला कल तुमको बता दूंगा। कल बताऊं तो कहाँ गलती हुई? पेपर देखा खुशी? नहीं देखा तो सिर्फ मार्क्स ही बताए। चलो पढ़ते हैं, चलो अभी वो सब भूल जाओ, आराम से आराम से। क्या हुआ, घर से बोले खुशी? हाँ तो बोलेगे तो अच्छे से पढ़ाई करो। कहाँ भी पेपर दिखाए तो देखना कि कहाँ कहाँ गलती हुई है, ओके? क्योंकि तुम पढ़ती हो, समझती हो, आंसर भी देती हो, तो फिर मार्क्स क्यों नहीं आते? चलो तो अभी ध्यान देते हैं आगे। सो हमने देखा था, अभी ध्यान से सुनो। चलो आगे आ जाओ, और आगे चलो। देखो तो हमने स्टार्ट किया था हमारा चैप्टर रिप्रोडक्शन, और चैप्टर में क्या क्या है? तो चैप्टर में ऑलरेडी हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था। इंट्रोडक्शन के बाद हमने देखा था कि जो चेंजेस होते हैं, मतलब एग्जिट कॉपिंग नहीं होता है रिप्रोडक्शन के बाद, जो चाइल्ड प्रोड्यूस होते हैं वो डिटो कॉपी नहीं होते अपने पेरेंट्स के, ओके? जो ऑफस्प्रिंग बोलते हैं हम, वो कार्बन कॉपी या से जैसे क्लोन टाइप नहीं होता है, दे आर डिफरेंट। और ये डिफरेंट नेसेसरी है तो हाँ नेसेसरी है, वो भी हमने देखा था कि वेरिएशन इज नेसेसरी, सो दैट जब अनफेवरेबल सिचुएशंस आ जाएगी सो एक साथ सब लोगों के ऊपर वो इफेक्ट नहीं होगा, जिसके अंदर चेंज इन वेरिएशन, उनके डीएनए जिनके चेंज है वो अच्छे से उस वो कंडीशन को विथस्टैंड कर पाएंगे, अदरवाइज वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे सबके सब, ओके? लाइक दैट। सो अब हमने बात की थी कौन सी, कि हम पहले बात करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हमने पांच टाइप देखने हैं, फाइव टाइप्स, ओके? सो हमने फिशन की बात की थी, और फिशन भी हो ही गया था, कितना हुआ था सर? हाँ तो बाइनरी हुआ है। हाँ तो फिशन में बाइनरी फिशन हो गया था, तो मल्टी हो गया था सर। मल्टी हो गया पर लेशमान है बाकी है। मल्टी फिशन हो गया। हाँ सर हो गया, उसका एक्सप्रेस सर आपने बताया था ना। हाँ यस यस यस। सो जो बाइनरी फिशन है उसमें हमने बोला ही था क्या कि वो अपनी साइज से ज्यादा साइज में ग्रोथ होने लगता है उनका, और अगर प्रॉपर ग्रोथ हो जाए तो जो प्रोटीन से बनते हैं डीएनए, वो प्रोटीन सारे के सारे एक बाउंड्री जहां से डिवाइड होने हैं वहां पे इकट्ठा हो जाते हैं, और उसके बाद उनकी स्प्लिटिंग हो जाती है। एंड स्प्लिटिंग होने के बाद मतलब सिर्फ सेल का डिवीजन नहीं हो रहा है, साथ साथ में सेल एपरेटस भी बन रहे हैं, मतलब साइटोप्लाज्म बन रहा है, उसका अलग से सेल मेम्ब्रेन बन रहा है, सब कुछ डिफरेंट बन रहा है, ओके? तो ये स्प्लिटिंग हो जाता है ना। उस स्प्लिटिंग की बात करें तो जैसे हमने मैंने तुम्हें बताया था क्या कि अगर स्ट्रेट लाइन में हो, चलो तो अगर स्ट्रेट लाइन में हो ऐसे तो ऐसे कट करना है तो वो तो इजी हो जाएगा, ओके? लेकिन
स्ट्रेट लाइन में वो होते नहीं है और ऐसे लीनियर भी नहीं होते हैं, वो तो थ्री डायमेंशनल होते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट और ऑर्गेनिज्म, तो फिर उनमें कैसे होगा, वही चीज हमें देखनी है। सो स्प्लिटिंग हो जाएगा, तो स्प्लिटिंग होने में भी एक फंक्शनलिटी है। सबसे पहले हम देखेंगे अमोइबा, तो अमोइबा में कैसे स्प्लिटिंग होती है। अमोइबा में स्प्लिटिंग जो होती है वो कोई भी प्लेन में होती है, मतलब जरूरी नहीं है कि ऐसे ऐसे स्प्लिट होगी। अगर ऐसे स्प्लिट हो रहा है मतलब एक एक सेल ये साइड जा रहा है और एक साइड ऐसे जा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि इन दी एक्स, ये एक्स डायरेक्शन हम डिनोट करते हैं जनरली एक्स वाई एंड जेड। तो अगर ये प्लेन में ऐसे हो रहा है तो हम बोलेंगे कि एक्स वाई प्लेन में। सिर्फ यहाँ पे हो रहा है ऐसे सीधे सीधे तो हम बोलेंगे कि एक्स एक्सिस के टॉवर्ड्स में हो रहा है स्प्लिटिंग। ऐसे होगा तो हम बोलेंगे वाई, ये प्लेन में होगा तो हम बोलेंगे एक्स वाई प्लेन, ये प्लेन में होगा तो हम बोलेंगे वाई जेड प्लेन। ओके, तो कोई भी प्लेन में हो सकता है, अमोइबा में कोई भी प्लेन में स्प्लिटिंग हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी हो सकता है। ओके, तो ये याद रखना, सब में नहीं, सिर्फ और सिर्फ अमोइबा में। ओके, और अमोइबा में जो कोई भी प्लेन में ये जो डिवाइडेशन होता है स्प्लिटिंग, तो उसका एग्जांपल भी तुम कुछ भी बना सकते हो। एक्चुअली अमोइबा का तो शेप भी फ्री शेप ही होता है, तो ऐसे करके कुछ बना दिया, ये अमोइबा है, अब ये ग्रोथ होगा, ग्रोथ होके ऐसे 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 करके फिर से वैसा बना दिया, और ये थोड़ा बड़ा हो गया, और फिर ऐसे 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 करके बना दिया, ये बड़ा था तो ऐसे ऐसे दो जैसे हो गए, और फिर ऐसे 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 करके बनाया, एक यहाँ पर, और फिर यहाँ से ऐसे टूट गया, तो ये एक अमोइबा है, ऐसे दूसरा अमोइबा। तुम्हारी बुक में फिगर दी हुई ही है। ओके, तो दो वो फिगर तुम्हें बनानी है, अभी एग्जैक्ट वो फिगर रटनी नहीं है, अमोइबा का तो फ्री शेप होता है, तो तुम कुछ भी बना दो तो चलेगा। ओके, समझ में आया। तो सिर्फ एक सेंटेंस लिखना है कि इन अमोइबा से पहला सेंटेंस लिखो कि इन अमोइबा अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड इज यूज्ड एंड इन विच, फिर पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तुम एक दो सेंटेंस लिख लो कि उसकी साइज बढ़ेगी और एक लेवल पे साइज उसकी ट्वाइस ऑफ साइज हो जाए, सेल की जितनी साइज हो उसके डबल साइज हो जाए, तब जाके उसकी स्प्लिट, फिशन होने से पहले साइज बढ़ेगी, साइज बढ़ने के मतलब फिशन हो गया और अब धीरे धीरे साइज बढ़ेगी, ऐसा नहीं, पहले साइज बढ़ जाएगी उसके बाद फिशन, उसके बाद स्प्लिटिंग होगा। ओके, और फिर स्प्लिटिंग कहाँ से होगा, तो हम बोलेंगे कि कोई भी प्लेन में होगा, और कोई भी प्लेन में एक फिगर बता दो, तीन मार्क्स मिल गए। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दो तीन सेंटेंस लिखो, उसके बाद अमोइबा की फिगर लिखो, और एक सेंटेंस लिख लो अमोइबा के लिए स्पेशली कि अमोइबा में जो स्प्लिटिंग होता है, जो फिशन होता है, वो दैट हैपन्स इन एनी प्लेन, मतलब कोई भी प्लेन में हो रहा है। अंडरस्टूड? हाँ बोलो। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में दो तीन लाइन, वही कि उसमें उसकी साइज से डबल साइज हो जाती है, और फिर जैसे ही डबल साइज हो, सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियस की ही डबल साइज होती है, पूरे के पूरी सेल अपरेटस नया बनता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट ही होता है, वो सारी बातें लिखनी है, एक दो तीन सेंटेंस जो भी जितने भी तुम्हें याद आ जाए। ओके, सो ये स्प्लिटिंग हमने देख लिया। अब आता है लैशमानिया। सो जो लैशमानिया होता है उसका व्हिप लाइक स्ट्रक्चर होता है, व्हिप लाइक मतलब जो वो चाबुक होती है ना, चाबुक वो घोड़ा चलाते हैं तो नहीं ऐसे मारते हैं, पीछे मारते हैं ऐसे, तो अभी तो वो डंडा भी आ गया है, लेकिन डंडा नहीं, पहले तो वही था, उसको वीप बोलते हैं। तो वीप लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो ऐसा समझो, ऐसा है, सपोज ऐसा कुछ वीप लाइक स्ट्रक्चर है। अब इसका ये उसका सेल है, तो ये उसका सेल है। अब ऐसा समझो कि सेल में से अगर ऐसे डिविजन हुआ, मतलब कैसे ऐसे हुआ, ऐसे बीच में से कट गया, तो बीच में से कटेगा तो कैसे कटेगा, न्यूक्लियस भी अच्छे से डिवाइड नहीं हुआ है। ओके, तो इसमें हमेशा वैसे डिवाइडेशन होगा जिसमें न्यूक्लियस भी पार्ट ले आधा आधा हो, तो एक्चुअली ऐसे होगा, तुम्हारी बुक में फिगर वर्टिकली दी हुई है। हाँ, सो ऐसे होगा, तो ऐसे होगा मतलब कैसे, धीरे धीरे ये अपने आप को दो पार्ट में स्प्लिट करता जाएगा। तो देखो ऐसे, जैसे कि ये एक पार्ट है, फिर यहां तक ऐसे जुड़ा हुआ, और थोड़ा ऐसे बाहर, तो दो पार्ट हो गए यहाँ से, ऐसे ऐसे करके दो पार्ट हो जाएंगे,
और फिर अचानक से एक से लास्ट में क्या बन जाएंगे, दो। जैसे ये हमने बोला कि एक बड़ा 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 और लास्ट में एक के दो हो गए, वैसे ही ये बड़ा है, फिर इसमें से थोड़े दो 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 ऐसे थोड़ा बड़ा हो गया और फिर डायरेक्टली दो अलग अलग जो बुक में फिगर ड्रॉ की करके दी हुई है वही तुम्हें ड्रॉ करनी है। एक्चुअली बुक में जो लास्ट फिगर होनी चाहिए वो नहीं दी है, ओके। जो लास्ट जो डबल फॉर्मेशन हो जाता है लैशमानिया का वो नहीं दी है, दैट ऑल्सो वी हैव टू ड्रॉ, ओके। समझ में आ गया, सिंपल। लैशमानिया का पूछे फिर भी 3 मार्क्स में पूछे, सेम चीज वही लिखनी है, तो पहले तो बोलो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है जिसमें सिंगल पेरेंट है, और फिर उसके बारे में कि उसकी साइज बढ़ेगी, जैसे ही उसकी साइज ट्वाइस ऑफ इट सिंगल साइज हो जाए तो अब वो फिशन होगा, स्प्लिटिंग होगी, और स्प्लिटिंग भी ऐसे होगी कि उसका न्यूक्लियस भी इक्वली डिवाइड हो जाए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पार्ट में हुआ तो एक पार्ट में सिर्फ बॉडी चली गई और न्यूक्लियस वाला पार्ट दूसरे साइड रह गया, वैसा नहीं चलेगा। तो बस वहां पे सिर्फ जो अमोइबा लिखते थे और हम बोलते थे एनी प्लेन, उसकी जगह ये फिगर लिखनी है और एनी प्लेन में नहीं होगा, ये एक पर्टिकुलर प्लेन में हो, बस वही चेंज है, बाकी सारा थियरी सेम। समझ में आ गया पक्का, ओके चलो। तो ये था लैशमानिया, अगर एक मार्क में पूछा जाए तो लैशमानिया काला अजहर नाम का डिजीज होता है, ये डिजीज लैशमानिया से होता है, तो एक मार्क में ये भी पूछा जाता है। जीएसईबी में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हाँ नाइन्थ में भी आया था, नाइन्थ में नहीं शायद एट्थ में आया था, यस हाँ थर्ड चैप्टर, यस तो एट्थ में आया था, ओके। तो ये था हमारा बाइनरी फिशन, ओके। बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन में मेन डिफरेंस क्या है, दो इंडिविजुअल बनेंगे बाइनरी में, मल्टीपल में मल्टीपल इंडिविजुअल बनेंगे, मतलब दो से ज्यादा बन जाएंगे, वही मेन फिश, वही मेन डिफरेंस है, ओके। तो अब मल्टीपल फिशन की बात कर रहे हैं, सो मल्टीपल फिशन, तो अगेन मल्टीपल फिशन जो होगा उसमें क्या होगा कि जब हम एक एक करके उसका मतलब एग्जाम्पल देखेंगे, तो अगेन इट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सिंगल पेरेंट से ही होगा, और अगर अनफेवरेबल कंडीशन है, अनफेवरेबल कंडीशन, जब अनफेवरेबल कंडीशन है मतलब रिप्रोडक्शन के लिए सही कंडीशन नहीं है, तब क्या करेंगे, वो एक टाइप का मतलब जैसे कि हम प्लाज्मोडियम का एग्जांपल ले, ओके। तो बुक में दिया हुआ है तुम्हें स्पोर फॉर्मेशन, तो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम की वजह से अगेन वो भी पूछा जाता है, तो प्लाज्मोडियम है उसकी वजह से कौन सा डिजीज होता है, मलेरिया, ओके। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो होगा क्या कि जो प्लाज्मोडियम है उसके जो सेल्स है, ओके, नाउ दे मेक अ सिस्ट, सिस्ट बनाएंगे, सिस्ट बनाएंगे, इन द सेंस सिस्ट मतलब एक टाइप की कवरिंग, ओके। तो यहाँ ऐसे है, ऐसा समझो ये है प्लाज्मोडियम, तो ये क्या करेगा, सिस्ट बना देगा, सिस्ट बना देगा मतलब वन टाइप ऑफ कवरिंग बना देगा, ऐसे ये कवरिंग बना दी। अब कवरिंग बना दी है मतलब क्या, अभी कवरिंग क्यों चाहिए, कवरिंग इसलिए चाहिए क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशंस है, क्योंकि अभी अगर ये एटमॉस्फेयर में चला गया न्यूक्लियस तो मर जाएंगे वो लोग, ओके। तो कवरिंग चाहिए, जैसे कि अभी हमें ठंड है तो ठंड आएगी तो हम जैकेट पहनेंगे, और ये टोपी पहनेंगे, नोज पे भी कुछ मास्क लगा हो तो भी वो थोड़ा वार्म अप रहता है थोड़ा, तो कवरिंग्स कर दी, बारिश होती है तो रेनकोट पहन लेते हैं, हम कैसे कवरिंग करते हैं, अनफेवरेबल सिचुएशन, अभी थोड़ा अच्छी खासा ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है तो फिर क्लाइमेट कंडीशन गुड है तो हम कुछ नहीं ऐसे नॉर्मल क्लोथिंग में ही बाहर निकलते हैं क्योंकि दे आर फेवरेबल कंडीशंस लाइक दैट। सो अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो अनफेवरेबल कंडीशन में उनके आसपास सिस्ट बन जाएगा मतलब वन टाइप ऑफ कवरिंग बन जाएगा, और अब जब कवरिंग बन गया है उसके बाद वो लोग रेप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे, तो मतलब एक में से दूसरे रेप्लिकेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, एक में से दूसरा बनेगा फिर तीसरा चौथा, अंदर एक से ज्यादा मल्टीपल फिशन है ना, तो दो मतलब दो इंडिविजुअल बन रहे हैं लेकिन इसमें दो से ज्यादा बन रहे हैं, बन रहे हैं, बन रहे हैं, लेकिन अभी भी अंदर ही है, जो एक सिस्ट था जहां पे एक था वहीं पे सारे हैं, ओके। और ये स्पोर है, ये हमारा स्पोर है, और जैसे ही फेवरेबल सिचुएशन आई मतलब फेवरेबल सिचुएशन इन द सेंस कि कोई वायरस है, वायरस ऐसा समझो कि हमने देखा था वायरस अगर बॉडी के बाहर हो तो वो कोई इफेक्ट ही नहीं करता है, बट जब वो बॉडी के अंदर जाता है, जब उसको एक होस्ट मिल जाता है तब जाके वायरस इफेक्ट करता है। तो वायरस तुम्हारे यहाँ पे स्किन पे है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तुमने ब्रीद ऐसे किया और नाक पे लग गए और ब्रीद किया और फिर अंदर गया,
तब जाके हमें फ्लू हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, कफ हो जाता है. ओके सो उसको होस्ट मिल गया तब प्रॉब्लम हुई, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं थी. मतलब यहाँ था तब तक उसके लिए फेवरेबल सिचुएशंस नहीं थी, जैसे ही बॉडी में गया उसके लिए फेवरेबल सिचुएशंस आ गई. तो जब इसको फेवरेबल सिचुएशंस मिल जाएगी तब जाके ये बर्स्ट हो जाएगा, फट जाएगा. कौन? सिस्ट. तो सिस्ट फट गई, एक था, अब इसके जैसे बहुत सारे हो गए और फिर बहुत सारे हो जाएंगे. एज सिंपल एज दैट. पहले एक ही था, अब बहुत सारे हैं. क्यों? क्योंकि अब फेवरेबल कंडीशन है, तो फेवरेबल कंडीशन में उनका ग्रोथ होगा और मैच्योर हो गए तो अब वो लोग भी रिप्रोडक्शन कर रहे हैं. रिप्रोडक्शन के लिए मैच्योरिटी चाहिए. जैसे ह्यूमन बींग है तो हमारे में भी कोई भी टाइप के क्रिएचर्स हो जो भी रिप्रोडक्शन कर रहे हो, ऐसा नहीं कि बस बर्थ हुआ और स्टार्ट, ऐसा नहीं होता. ओके उसके लिए भी एक पर्टिकुलरली मैच्योरिटी आनी चाहिए. वो मैच्योरिटी आने के बाद ही, नहीं तो डेथ हो सकती है. फिर चाहे वो कोई भी लिविंग बींग हो, एनिमल हो, बर्ड्स हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, ह्यूमंस हो, डेथ हो सकती है किसी की भी. चाहे वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो. असेक्सुअल भी ऐसा समझो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तुम कुछ करना चाह रहे हो. वेजिटेशन प्रोपेगेशन हम देखा, अभी एक पौधा है, इतना छोटा सा पौधा है, अभी वो खुद ग्रो नहीं हुआ और तुम बोलोगे नहीं 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 इसमें कटिंग लगाएंगे, तो कटिंग लगा के दूसरी जगह करने गए, दोनों मर जाएंगे. कटिंग भी मर जाएगा और जहां से कटिंग निकाली वो भी मर जाएगा. सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए मैच्योरिटी चाहिए. वो मैच्योरिटी के बगैर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन नहीं होगा. अंडरस्टूड? ओके कॉन्सेप्ट सारे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे भी, और मतलब पढ़ाई में तो इंपॉर्टेंट है ही, समझने के लिए भी इंपॉर्टेंट है. तुम्हारे कोई क्वेश्चन हो तो पूछ भी लेना. ओके क्या सर उसके डाउट्स? अच्छा वो इलेक्ट्रिसिटी और उसके डाउट्स एक साथ कर लेंगे. सबने ट्राई कर लिया इलेक्ट्रिसिटी एंड कंपाउंड वाला चैप्टर? कंपाउंड हो गया इलेक्ट्रिसिटी. तो करो सिस्ट CYST. हाँ वो अनफेवरेबल कंडीशन में ग्रो मतलब लेयर बनती है. यस तो अगर फेवरेबल कंडीशन हुई तो मल्टीप्लिकेशन अंदर जो सेल डिवीजन होता है वो नहीं होगा. नहीं फेवरेबल कंडीशन है तो एक्चुअली उनका ग्रोथ होता जाएगा. ये जो अंदर है वो हमारे सेल्स का डिवीजन हो रहा है उसका. हाँ जिसका भी डिवीजन हो रहा है, पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल है हमारे पास. जैसे अभी हमने प्लाज्मोडियम लिया, तो प्लाज्मोडियम का एक पर्टिकुलर सेल है. तो प्लाज्मोडियम सेल है, फेवरेबल सिचुएशंस में वो सेल का ग्रोथ होता जाएगा. अंदर सेल अपरेटस बनेंगे, डिफरेंट अच्छे से ग्रो करेगा. अब ग्रो कर गया, मैच्योर कर गया, और मैच्योर होते ही अगर फेवरेबल सिचुएशन है तो वो सिस्ट बनाएगा, रेप्लीकेट करेगा, और रेप्लीकेट करके तुरंत ही फट जाएगा. ओके बर्स्ट हो जाएगा. नहीं अनफेवरेबल में बनता है. मींस क्या है, सिस्ट का काम क्या है, जब रेप्लीकेशन हो तब कोई डिस्टर्ब नहीं करने आना चाहिए, लाइक दैट. ओके कवरिंग बना देता है कि अगर रेप्लीकेशन हो रहा है तो वो टाइम पे ऐसा समझो कि सिस्ट नहीं बना हुआ है, तो शायद अचानक से कहीं पे टेम्परेचर बढ़ गया, बहुत जोर से हवाएं चलने लगी. ओके तो अगर वो उसका कवरिंग सेल मेम्ब्रेन अगर फट गया तो गया सब कुछ, रेप्लीकेशन जो हो रहा था वो गया, लाइक दैट. जैसे ह्यूमन बींग में नहीं मिसकैरेज हो जाते कि अगर फर्टिलाइजेशन हो गया है, डेवलप हो गया, अभी चाइल्ड डेवलप होना शुरू हो गया है, और अब अगर किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया, चलने मिलने में कुछ लग गया, ये वो, सो मिसकैरेज हो जाता है. मतलब कि वो एग्जैक्टली ऐसा ग्रोथ नहीं हुआ था, अभी बेबी मतलब 9 मंथ से पहले अभी बाहर आने वाला है, उससे पहले कुछ भी हुआ, सो मिसकैरेज गया. ओके लाइक दैट. और गया मतलब अभी ऑपरेशन करके सिर्फ वो जो सिर्फ बायोलॉजिकल सब्सटेंस है उसको बाहर निकालना है, उसके अंदर लाइफ नहीं है. ओके जस्ट लाइक हम कैसे एक्सक्रीशन कैसे निकलता है, जस्ट लाइक हमारे जैसे कहीं पे ऑपरेशन हुआ है, कहीं पे गंदा ब्लड है. ओके तो वो ब्लड को निकालने के लिए कहीं पे कट किया, थोड़ा ब्लड निकालने दिया, बहने दिया, और फिर जाके वहां पे वापस बंद कर दिया. सो अंदर की चीज बाहर ले आए. कहीं पे स्किन काटनी पड़ सकती है, कहीं पे जल गए वो, अभी कुछ कर ही नहीं सकते, सर्जरी करनी पड़ेगी. सर तो पुरानी चीजें जो अंदर सही नहीं है बॉडी के लिए उसको कहा. अभी ऐसा नहीं है कि वो चाइल्ड को और वो उसको एम्ब्रियो को अंदर ही अंदर फोइटस में के बाद एम्ब्रियो जो बनेगा वो उसको अंदर ही रखे, कुछ नहीं होगा. प्रॉब्लमेटिक होगा, कुछ नहीं होगा मतलब मे कॉज डेथ.
टू दी मदर. ओके, सो ऐसा रख भी नहीं सकते, इट नीड्स ऑपरेशन होना चाहिए और ऑपरेशन के बाद उसको बाहर निकालना पड़ेगा. इट्स जस्ट एन ऑर्गन जैसा हो गया है. हमारी बॉडी में कैसे ऑर्गन्स है, ऐसा सोचो कि तुमने ऐसे कुछ खा पिए, छोटे बच्चे नहीं वो कॉइन खा लेते, ये वो अंदर चला गया, अभी अंदर वो उसका कोई काम नहीं है. कॉइन जाके अंदर कोई केमिकल बायोकेमिकल एक्टिविटी नहीं करने वाला, वो तो एक्स्ट्रा घुस गया अंदर, उसका कोई पर्पज नहीं है. तो वो अंदर रहेगा तो प्रॉब्लमेटिक ही है. वैसे ही जिसकी बॉडी में जिसकी जरूरत नहीं है वो चीज़ अगर बॉडी में है, दैट मीन्स इट इज प्रॉब्लमेटिक. सॉलिड लिक्विड गैस जो हमारे बेसिक है सब्सटेंस के फेजेस, वो भी हमारी बॉडी में फिक्स्ड है कि भाई इतने परसेंट ही लिक्विड होना चाहिए, इतने परसेंट गैस होना चाहिए, इतने परसेंट सॉलिड होना चाहिए. सबसे ज़्यादा डिजीज जो होते हैं, सबसे ज़्यादा डिजीज हेल्थ डिजीज जो होते हैं वो गैसियस सब्सटेंस हमारी बॉडी में जितने रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा अमाउंट में होने की वजह से होते हैं. कहीं पे पेन हो रहा है, ओके, जैसे नी में पेन हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, स्टमक पेन हो रहा है, ये तो नॉर्मल है. लेकिन ऐसे बहुत सारे डिजीज जो है दैट इज ड्यू टू दी गैसियस सब्सटेंस. सपोज ऐसा समझो कि 60% गैसियस सब्सटेंस होना चाहिए और बॉडी में 75% है या 70% है, इट मेक प्रॉब्लम. ओके, एक्चुअली होता है सबसे ज्यादा गैस, देन लिक्विड, और सबसे कम होता है सॉलिड पार्टिकल्स. ओके, बट उसकी भी लिमिट है, उससे ज्यादा हुआ देन इट विल मेक अ प्रॉब्लम. ओके, तो समझ में आ गया ये. तो साइटोप्लाज्म अटैच्ड टू द डॉटर सेल, मतलब रेप्लिकेशन होता रहेगा यहाँ पर, और साइटोप्लाज्म भी, ये पूरा जो साइटोप्लाज्म है वो सबके साथ साथ जो डॉटर सेल है उसके साथ साथ साइटोप्लाज्म भी अटैच हो जाएगा. एंड जैसे ही फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलेगा, बर्स्टिंग ऑफ सिस्ट, और बर्स्टिंग ऑफ सिस्ट हुआ तो डायरेक्टली वो बाहर निकल गए. रेप्लिकेशन मतलब डबल होना, जैसे जेरोक्स बोलते हैं ना, एक का दूसरा, दूसरे का तीसरा. तो रेप्लिकेशन मतलब रेप्लिकेट करना, मतलब कॉपिंग होना, डीएनए कॉपिंग जो बोलते हैं, जो सेल डिवीजन से होता है, दैट इज रेप्लिकेशन. समझ गए. ओके, सो ये था हमारा मल्टीफिशन. प्लाज्मोडियम का एग्जांपल देना है, इसका भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं मलेरिया वाला, और काला अजहर का भी पूछ सकते हैं लेशमानिया वाला. ओके, हाँ, एक मार्क में पूछ सकते हैं तो वो याद रखना है. ओके, और थर्ड है हमारा फिशन में, दैट इज द यीस्ट. ओके, यीस्ट, तो जो यीस्ट है वो यीस्ट में कैसे मल्टीफिशन होता है, उसमें पर्टिकुलरली बर्ड बनता है. बर्ड नहीं, बर्ड बर्ड, तो बर्ड बनता है, मतलब पर्टिकुलरली कोई एक सेल है, वो सेल में से ऐसे एक बर्ड बन गया. ओके, अब ये बर्ड बना और अब ये ग्रो कर रहा है, तो ग्रो किया, ऐसे ही ग्रो किया, फिर यहाँ भी सेल डिवीजन था, यहाँ पर भी आ गया, अब ये और ग्रो कर रहा है. ओके, और प्रॉपर अमाउंट में, हाँ, बर्डिंग जैसा ही, लेकिन बर्ड नहीं बोलेंगे, ये फिशन है क्योंकि यहाँ से कट जाएगा, लेकिन बर्डिंग में भी वापस वैसा ही होने वाला है. अब ये कट गया है तो ये निकल जाएगा, और निकलने के बाद डायरेक्टली उसका भी फिशन, मल्टीपल फिशन होता है. ओके, ये सिर्फ एक सेंटेंस में लिखा हुआ है, तुम्हारी बुक में देखो, ये रहा लास्ट. ओके, सिर्फ एक ही सेंटेंस लिखा हुआ है, बट ये एग्जांपल अगर पूछे तो तुम्हें लिखना है. तो तुम्हारे पास 3-4 एग्जांपल हो गए हैं फिशन के, अमोइबा, लेशमानिया, देन यीस्ट एंड प्लाज्मोडियम, 4 एग्जांपल हो गए हैं फिशन के ही. ओके, अंडरस्टूड, पक्का. ओके, तो ये था हमारा फिशन. नाउ हम आ जाते हैं हमारे सेकंड मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन पे. पहला मेथड सब समझ में आ गया अच्छे से, अभी जब डिस्कस कर रहे हैं तभी घर जाके पढ़ लो, अच्छा यूटिलाइजेशन करो टाइम का, और जितना हो सके उतना उसी दिन रिवाइज कर लो तो अच्छे से याद रहेगा. समझ तो तुम गए ही हो, लेकिन समझा हुआ अगर उसी दिन अगर पढ़ लिया तो बहुत ही अच्छे से दिमाग में फिट हो जाएगा. और अगर तुम एक वीक बाद पढ़े तो सबसे पहले तो ये तुम पढ़ोगे तो तुम याद आएगा, हाँ हाँ ऐसा पढ़ा है सर ने, हाँ, और मुझे आ भी रहा था, अभी थोड़ा थोड़ा भूल गए हैं, तो फिर वापस वीडियो देख ले. अब तो ये फैसिलिटी है, बट फिर भी वीडियो देखने से भी फिर उसमें एक ना एक बार तुम देख लोगे तो मजा तो आती रहेगी, बट दैट मच टाइम यू विल नॉट हैव इन फ्यूचर. मतलब एग्जाम के आगे तुम ऐसे एक एक घंटे का वीडियो नहीं देख सकते,
ओके जैसे कल एग्जाम है तो उसके लिए तुम एक घंटे का वीडियो थोड़ी देख सकते हो, वो भी सिर्फ और सिर्फ ये टॉपिक का। वैसे तो कितने टॉपिक है, कितने चैप्टर्स है, ओके सो दैट इज यूजफुल, दैट विल बी यूजफुल, बट अगेन वो तुम पास आउट हो जाओगे और फिर तुम्हें याद करना हो कि हम कैसी मस्ती करते थे, डायलॉग आते थे, वो देखना तो शायद अंदर तुम्हें बहुत ज़्यादा अभी भी यूजफुल होगा, बट एट द सेम टाइम वीडियो पे डिपेंडेंट मत हो जाओ, ओके डिपेंडेंट नहीं हो जाना है, क्योंकि हम हर बार वो वीडियो नहीं देखने वाले हैं एक एक घंटे का, ओके हर बार सोचो हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो सबके ही वीडियो बना दे तो, और तुम पूरे दिन बैठ के वीडियो ही देखते रहो तो क्या सब कुछ लर्न हो जाएगा? नहीं होगा। हमारे पास तो बुक तो है ही ऑलरेडी, हम बुक पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे, रोज एक चैप्टर पढ़ो तो 15 दिन में एक बुक खत्म, फिर दूसरे 15 दिन में दूसरी बार वही बुक खत्म, फिर तीसरी बार खत्म, तो 2 महीने में तो 4 बार बुक खत्म हो जाएगी। लर्निंग हुआ क्या? नहीं। उसके लिए प्रॉपर मेथड है, लेकिन ये मेथड भी मैंने तुम्हें बताई थी कि अगर ऐसे रीड करोगे तो बहुत बेनिफिट होगा। वो कब ज्यादा बेनिफिट होगा? अगर चैप्टर कंप्लीट हो गया है तो, और अभी हमारे 75% से ज्यादा सिलेबस हो गया है, तो वो तुम एक्सरसाइज अब मत करने बैठना। लेकिन नाउ आई विल नॉट टेल यू, और मेरा प्रेफरेंस ये नहीं रहेगा कि तुम वैसी एक्टिविटी करो, क्यों? इट नीड्स टाइम, वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन रीडिंग। हाँ, फर्स्ट टाइम रीड कर रहे हो, दैट इज गुड। सपोज ये चैप्टर तुमने एक भी बार नहीं पढ़ा है तो एक बार पूरा वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन पढ़ लो, उसके बाद तुम्हें पता ही चल जाएगा, क्योंकि स्कूल में क्या चला हुआ है, ट्यूशन में क्या चला हुआ है, पेपर देखना स्टार्ट करोगे पता चलेगा कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर बाकी चीजें जो जरूरत की नहीं है वो चीज पढ़ने में टाइम वेस्ट मत करो। चलो आ जाते हैं। सो दूसरी मेथड ऑफ रीप्रोडक्शन, पहले में क्या हो रहा है, सिंपली स्प्लिटिंग हो रहा है, एक बाइनरी स्प्लिटिंग, फिशन मतलब देखो दो वर्ड होते हैं जनरली, फिशन एंड फ्यूजन, फ्यूजन मतलब इकट्ठा होना और फिशन मतलब डिवाइड होना, ओके सो मल्टीपल फिशन एंड बाइनरी फिशन देखा। नाउ वी आर गोइंग टू सी द फ्रेगमेंटेशन, बहुत ही इजी है, ध्यान से सुनो। इट इज अ फॉर्म ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच, चल रहा है ना ये, हाँ, इन विच एन ऑर्गेनिज्म इज स्प्लिट इन टू द फ्रेगमेंट्स, फ्रेगमेंट्स मतलब टुकड़े हो जाना, मतलब ये मेरा कोई ऑर्गेनिज्म है, इसके ऐसे टुकड़े हो गए तो ये एक टुकड़ा और वैसे ही यहाँ पे दूसरा, ओके सो अब टुकड़े हो गए, ईच ऑफ दीज फ्रेगमेंट्स डेवलप्स इनटू अ मैच्योर फुल्ली ग्रोन इंडिविजुअल दैट इज अ क्लोन ऑफ द ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म। तो अब ये जो टुकड़े बने हैं, ये टुकड़ा भी डिट्टो इसके जैसा बन जाएगा और ये टुकड़ा भी डिट्टो इसके जैसा बन जाएगा, मतलब एक में से कितने हो गए, दो हो गए, एंड दैट विल बी द क्लोन ऑफ, क्लोन ऑफ मतलब दिखने में तुम्हें एग्जैक्टली सेम लगेगा। सर ये तो बाइनरी फिशन जैसे नहीं, सर ये नहीं, बाइनरी फिशन जैसे कैसे, इसमें दो डिवाइड होते हैं ना, हां एक में से बड़े होते हैं, एक में से दो बनते हैं, यस, बट यहां पे क्या हो रहा है कि डिट्टो क्लोन बन रहा है, ओके मतलब उसमें क्लोन नहीं है, एग्जांपल के साथ साथ जैसे हमने वहां लैशमानिया देखा तो हम बोलेंगे कि नहीं लैशमानिया को भी ऐसा करना हो तो वो ये करेगा, नहीं वैसा नहीं, लैशमानिया हमेशा वही करेगा लाइक दैट। तो कोई एक मेथड फिक्स वो लोग को जो सबसे ज्यादा सुटेबल है, ऐसा नहीं है कर नहीं सकते, लेकिन सबसे ज्यादा जो सुटेबल होती है एनवायरनमेंट के हिसाब से वो लोग वो मेथड यूज करते हैं वैसे, ओके सो इसके लिए एग्जांपल है स्पाइरोगायरा, ओके स्पाइरोगायरा इट इज वन टाइप ऑफ एल्गी, एक टाइप की एल्गी है स्पाइरोगायरा, तो ये भी पूछा जाएगा, ओके वन वन मार्क में तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, चलो बताओ कि फ्रेगमेंटेशन से जो रिप्रोडक्शन करता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम बताओ, स्पाइरोगायरा, ओके सो दूसरे, हाँ नहीं नहीं बहुत सारे हैं, मैं वही बोलने वाला था, सो मोल्ड है, लाइकन है, लिवर वॉर्ट है, दैट इज अ प्लांट, स्पॉन्ज है, दैट इज ऑल्सो अ प्लांट, प्लेनेरिया है, अर्थवर्म है, हाइड्रा है, दे आर दी एनिमल्स, मैंने तुम्हें
लिख के लिखा हुआ ही है। हाँ बस हाइड्रा तो बर्डिंग करेगा, हाइड्रा बर्डिंग भी करेगा और फ्रेगमेंटेशन भी करेगा। सर ये फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में क्या फर्क है? अभी हम देखेंगे। फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन में बेसिकली फर्क इतना है कि फ्रेगमेंटेशन एक रिप्रोडक्शन मेथड है एंड रीजनरेशन रिप्रोडक्शन मेथड नहीं है, वो एक्सीडेंटली रिप्रोडक्शन हो गया है। वो कैसे है अभी बताता हूँ। जैसे लिजार्ड में होता है, हाँ, जैसे लिजार्ड में होता है, जैसे कि उसकी पूछ कट गई एक्सीडेंटली, उसने नहीं काटी कि वो कट जाओ फिर नहीं आएगी, ऐसे नहीं। हाँ दैट इज द डिफरेंस। फ्रेगमेंटेशन में पूरा बनता है, रीजनरेशन में सिर्फ वो पार्ट ही बनता है, पूरा नहीं बनता। दैट इज द डिफरेंस, जो कटा है वही। और वैसे वो सब देखेंगे हम आगे, रीजनरेशन देखने ही वाले हैं। सो एग्जांपल याद रख लेना, स्पाइरोगाइरा का एग्जांपल एक मार्क में ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन तुम्हारे नॉलेज के लिए मैंने ज्यादा एग्जांपल लिखे हुए हैं। जो मोल्ड है वन टाइप ऑफ फंगाई और लाइकेन, ओके वो है उसमें क्यों स्पाइरोगाइरा? हाँ उसमें स्पाइरोगाइरा, इसलिए तो मैंने बोला कि वो ज्यादा पूछा जाता है। बट ये भी है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में दूसरे है, मोल्ड है, लाइकेन है, और प्लांट में अगर देखे तो लीवर वॉल्ट है, स्पॉन्ज है, एंड एनिमल्स में अगर कंसिडर करे तो प्लेनेरिया है, अर्थ वॉर्म है, छोटे छोटे एनिमल्स, हाइड्रा है, ओके। सो दे विल डू द फ्रेगमेंटेशन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या करेंगे कि मैच्योरिटी तो ऑलवेज शुड बी देयर। सो मैच्योर हो गए तो स्प्लिट हो जाएंगे, और स्प्लिट होने के बाद जो दो स्प्लिट होंगे एग्जैक्टली क्लोन कॉपी हो जाएंगे जो पहले थे, जिसमें से स्प्लिट हुए थे वैसे, ओके। हाँ इसमें कोई पर्टिकुलर जगह नहीं होती कि कहाँ से वो कट हो गया है? नहीं, ऐसे पर्टिकुलर जगह नहीं होती, ऐसा समझो कि यहाँ नीचे से कट हो गए, तो दैट मीन्स कि ये जो दो पार्ट बनेंगे इसका सिर्फ नया पार्ट इतना ही आएगा तो वो पूरा बन गया, और डिट्टो आएगा, और इसका वो ऊपर का पूरा पार्ट बनेगा वो भी डिट्टो आएगा, लाइक दैट। बट कोई फिक्स जगह नहीं, एनी प्लेन, एनी प्लेन। हाँ मतलब ये जैसे यहाँ से कटा था तो ये जो ऊपर का पोर्शन है पूरा होने के बाद सेम ऐसा ही लगेगा, नीचे का पोर्शन है पूरा उसका रीजन फ्रेगमेंटेशन होने के बाद पूरा ऐसा ही लगेगा। ये 2022 वाला कौन सा नंबर है? क्या हाँ नहीं उठा था, लेकिन बार बार रोज कर रहे हैं। क्या कि इलेक्शन में कौन जीतेगा ऐसे? नहीं नहीं कोई और था, सुना नहीं करता। अच्छा तो आपके पास ट्रू कॉलर नहीं? ट्रू कॉलर में नहीं डालता। एक्चुअली ट्रू कॉलर इज अ फॉरेन कंपनी, यूरोपियन कंपनी, जिसमें एक्चुअली वहां के नेशन में कॉन्टेक्स्ट लेना इलीगल है, ओके। सो उन्होंने वो कंपनी एक्चुअली जहाँ की है वहाँ पे इलीगल है, और यहाँ पे हम फ्रीली यूज कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही हम उस पर साइन अप करते हैं हमारे सारे कॉन्टेक्ट्स उनके पास चले जाते हैं, तो सारा डेटाबेस कलेक्ट करने के लिए ही ये कंपनी है, और कई करोड़ों लोगों ने, इंडियन ने अपना डेटा ऑलरेडी दे दिया है, सो इट इज नॉट गुड, ओके। बट अब कर लिया हो तो उसका ऐसा नहीं है कि कुछ प्रॉब्लमेटिक आगे होगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बट जब तक हो सके तब तक हमारा डेटा जनरली दूसरों के पास ना हो वो अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि कलयुग है, कुछ भी हो सकता है, ओके। तो इसीलिए अगर तुम सोशल मीडिया अभी यूज़ कर रहे हो या नेक्स्ट आगे फ्यूचर में भी यूज़ करो, सोच समझ के यूज़ करना कि क्या चाहते हो तुम कि ये चीज़ें दुनिया देखे, क्योंकि तुम्हें लगेगा कि सिर्फ तुम्हारे फ्रेंड्स देख रहे हैं। बट एक बहुत ही अच्छा सेंटेंस किसी ने बोला था कि इन द 21st century प्राइवेसी इज अ मिथ। प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, सब कुछ कोड होता है, सब कुछ रिकॉर्ड होता है, सब कुछ स्टोर होता है। हमें लगता है कि सोशल मीडिया पे हमने डाला और हमारे सपोज 10 followers है तो सिर्फ वो 10 followers को ही दिखता है, ऐसा नहीं है, भले ही तुम्हारा प्राइवेट अकाउंट हो, ओके। तो सोच समझ कर यूज करना, अभी भी अगर कर रहे हो तो अब तो बंद कर दो, एग्जाम आने वाली है, और फ्यूचर में भी यूज करो तो क्या अपलोड करना है देख के अपलोड करो, ओके। वो तुम्हारी पर्सनल चीजें, अपने पर्सनल रिलेशंस ऐसे होने नहीं, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए तुम, मतलब हाँ तुम ऐसी पर्सनालिटी हो जिसका किसी के साथ भी कोई
टेढ़ी मेढ़ी बात नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन अब देखो क्या क्या हो रहा है, तुम्हें पता ही होगा न्यूज चैनल में हम देखते हैं कितना कुछ उल्टा सुल्टा सब कुछ हो रहा है, डेटा की चोरी भी होती है, ओके चोर लोग भी देखते रहते हैं कि हाँ ये सब लोग घूमने गए हैं गोवा, चलो इनके घर तो वो लोग भी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं, ओके चलो सो कहना ये चाह रहा हूँ कि जितना हो सके ऐसा नहीं कि मत करो, टेक्नोलॉजी है यूज करो, ऐसे यूज करो कि फ्यूचर में तकलीफ ना हो हमें, ओके खुद को मतलब, चलो सो फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन कंबाइन ही लेते हैं हम, तो फ्रेगमेंटेशन देख लिया, नाउ वी आर गोइंग टू सी द रीजनरेशन। अब पहला डिफरेंस, फ्रेगमेंटेशन इज अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन बट रीजनरेशन इज अ मेथड ऑफ सर्वाइवल आफ्टर द डैमेजेस, मतलब कोई एक्सीडेंट हो गया कहीं पे, डैमेज हो गए, बॉडी पे कुछ खरोच आ गई या बॉडी का पार्ट टूट गया, तो वो बॉडी का पार्ट फिर से आने के लिए जो मेथड है दैट मेथड इज रीजनरेशन। इट इज हम बोलते हैं कि रिप्रोड्यूस हुआ, लेकिन सिर्फ वो पार्ट रिप्रोड्यूस हुआ है, पूरी की पूरी बॉडी रिप्रोड्यूस नहीं हुई है। सो दैट इज द मेन डिफरेंस, फ्रेगमेंटेशन इज अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन whereas regeneration is a method of survival after the damages, damage हो गया है अब survive करना है, तो करने के लिए वो body actually जो लोग और जो organism regeneration करते हैं उनको actually करना नहीं होता है कि चलो हम दो भाग में बट जाते हैं और हम एक से दो हो गए, ऐसा उनको करना नहीं होता है, situations ऐसी हो गई है कि उनको करना पड़ेगा, अगर नहीं किया तो वो organ उनका खत्म हो जाएगा, ओके सो दैट इज द मेन डिफरेंस। सुनो ध्यान से, द प्रोसेस बाय विच सम ऑर्गेनिज्म रिप्लेस और रिस्टोर लॉस्ट और एम्प्यूटेटेड बॉडी पार्ट्स, मतलब के अपने जो निकल गए हो, टूट गए हो, डैमेज हो गए हो, वो बॉडी पार्ट्स को रिप्लेस कर सके और खराब हो गए हो तो रिपेयर कर सके, वो प्रोसेस मेथडोलॉजी को बोलते हैं रीजनरेशन, ओके दैट इज द थिंग। फ्रेगमेंटेशन इज यूज एज अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन के लिए यूज होता है, रीजनरेशन इज नॉट, इट इज अ मेथड ऑफ सर्वाइवल, ओके। एक बहुत ही अच्छा फैक्ट तुम्हें बताता हूं, शायद तुम लोगों को पता हो, अदरवाइज नहीं पता होगा, लेकिन बहुत अच्छी बात है, वी ह्यूमन बींग्स कैन डू द रीजनरेशन। नहीं काटो ना, जो तुम हेयर नेल बोल रहे हो, हम जो हेयर और नेल काटते हैं वहां पे लाइफ है ही नहीं, मैं तो जहां पे लाइफ है उसकी बात कर रहा हूँ, ओके नेल्स में लाइफ नहीं होती, इसमें लाइफ नहीं होती, हाँ जहां से बढ़ते हैं, नहीं सब खून नहीं, अब ह्यूमन बीइंग्स कैन रीजनरेट देयर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट एंड दैट इज विच इज कॉल्ड लिवर। खुद ब खुद बनता है हमारी बॉडी, नहीं सिर्फ लिवर, हार्ट बनता तो फिर इमॉर्टल कर देते, वो ठीक होएगा, मतलब ऐसा नहीं फिर वैसे कुछ भी करो तुम, जस्ट थोड़े मतलब अराउंड 5-6 मंथ बिफोर ओनली आई वाज गॉट इन टच विद वन ऑफ माय रिलेटिव, कैसा था उनमें कि वो ड्रिंक बहुत करते थे, तो इतना ड्रिंक करते थे तो लीवर गया, हाँ तो लोड आ गया, लीवर गया, अब जनरली जो ज्यादा ड्रिंक करते हैं तो सबसे पहले कोई ऑर्गन जाता हो वो होता है लीवर, सो किडनी से भी ज्यादा लोड आता है लीवर, ओके सो अब क्या हुआ कि लीवर ट्रांसप्लांट की नेसेसिटी हो गई, तो किया क्या, अभी लीवर ट्रांसप्लांट कैसे करेंगे, ये जो लीवर है बिगड़ा हुआ दारू वाला उसको तो निकाल दिया, अब दूसरा लीवर हम डोनेट कर सकते हैं क्योंकि इट कैन रीजनरेट, किडनी जैसा नहीं है सर, तो उसका भी रीजनरेट करेगा ना, हाँ तो वही बता रहा हूँ, तो हुआ क्या, ये तो मैंने अभी थोड़े टाइम पहले की बात है, तो क्या हुआ कि सपोज ये लीवर है ऐसा रेक्टेंगल लीवर, ओके तो ये लीवर है, अब हुआ क्या कि ये जो खराब है
उसको निकाल दिया अल्कोहल वाला, वो तो निकाल ही दिया है। अब जो सही है हाँ वो खराब वाला रीजनरेट होगा, खराब वाला रीजनरेट होगा तो खराब आएगा जैसे, हाँ वैसे अगर खराब डालेंगे तो खराब ही आएगा ना, जैसे डाल जैसा बीज वैसा फल पौधा। हाँ अच्छा सो हाँ फल, चलो कर्म बीज और कर्म फल, तो जैसा बीज होगा वैसा फल होगा, हम डालेंगे पौधा पौधा रखो बस। चलो तो मतलब अब क्या कर रहे हैं हम कि ट्रांसप्लांट करेंगे अब अगेन वो सारी सिचुएशंस अगेन एप्लीकेबल, कौन सी कि भाई ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए, फिजिबिलिटी होनी चाहिए, वो सब कुछ हमने देख लिया है, मतलब डॉक्टर ने देख लिया है। उसके बाद सपोज डिसाइड हुआ कि भाई वाइफ को दे, वाइफ का लीवर दे दो या उनके चाइल्ड का दे दो, ऐसा कुछ डिसाइड हुआ, होगा क्या कि जो जितना सपोज अराउंड जिनके पास लीवर है ही नहीं उनको थोड़ा 2/3 पार्ट और से 1/3 पार्ट जैसा देना पड़ेगा, ऐसा सब तो थोड़ा इतना पार्ट दे दिया 1/4 ले लिया। ये काटा, ये किसके लीवर काटा, उनके वाइफ जिनका लेना डोनर का, ओके सो डोनर का लीवर काट दिया थोड़ा उतना पार्ट, अब लीवर तो रीजनरेट होगा तो वो जो काटा है जो डोनर है उनका रीजनरेट होने लगेगा, और ये इतू सा लीवर जो थोड़ा पार्ट काटा था वो जिसका अल्कोहल वाला लीवर था उसको तो निकाल दिया, उसको रिप्लेस किया इससे। अब इनको ज्यादा बेड रेस्ट की जरूरत है जिनको ये छोटा पार्ट डाला हुआ है, क्योंकि उसको रिजनरेट होने में टाइम लगता है, आज डाला और कलर से इट नीड्स टू मच टाइम, मंथ लग जाते हैं, 3-4 मंथ मिनिमम हो जाते हैं तब जाके वो एटलीस्ट अच्छे से वॉक कर पाते हैं, नहीं तो बेड रेस्ट पूरा। हाँ तो लीवर का काम मेनली हमने क्या देखा था, लीवर क्या काम करता है, तो मेनली जो बाइल जूस जो डाइजेस्टिव जूसेस है वो रिलीज, हाँ वो सीक्रेट करने का और से रिलीज करने का काम कौन करता है, लीवर करता है। सो बाहर से आर्टिफिशियली वो डाला जाता है जूसेस, एंड थोड़ा पोर्शन अगर आर्टिफिशियली पहले डाल के देखा जाता है कि इनको इफेक्ट कर रहा है नहीं, अगर नहीं कर रहा हो तो ये पूरा जो पहले अल्कोहल वाला लीवर था उसको पूरा रिप्लेस नहीं कर दिया जाता, थोड़ा पार्ट उसका रखा जाता है जस्ट लाइक वो थोड़ा बहुत रिलीज करे और बॉडी में जाए उसके लिए। होगा क्या, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अगर जूसेस रिलीज नहीं हुए दूसरी सारी प्रॉब्लम होगी, एसिडिटी हो जाएगी, डायरिया हो गया ये वो, लेकिन लीवर नहीं होगा तो गए, तो इससे अच्छा है जिंदा तो रहे। फिर एक बार वो रीजनरेट कर लिया उसके बाद अच्छा खाना खाया, टेक केयर किया, तब जाके तो वो जो लीवर नहीं था और जो जूसेस जो थे उसके वो कम मिल रहे थे उसकी वजह से जो प्रॉब्लम हुए थे वो तो वापस सॉल्व हो जाएंगे। ओके तो मतलब ऐसा कि पूरे मर तो नहीं गए, थोड़े तो बचे, और फिर थोड़े बचे उसे फिर कल क्या कोई बोला था ना कि थोड़े बचे, ऐसा कुछ डिस्कशन हुआ था ना कि पूरा नहीं मारा थोड़ा ही मारा। जब काट के लगाते हैं मतलब कोई भी शेप कैसी भी डालो हो जाता है, नहीं नहीं वो पर्टिकुलर शेप डालना काटना पड़ेगा, उसके लिए भी रिसर्च होती है, तो मैंने तुम्हें रफली ऐसे रेक्टेंगल तो कभी होगा नहीं बट उसके लिए भी मतलब परफेक्शनिस्ट होते हैं, पर्टिकुलर टाइप ऑफ सर्जन होते हैं, वही लोग ये कर सकते हैं, कोई भी डॉक्टर के अरे भाई आओ उसे थोड़ा काटो ना ऐसे नहीं चलेगा तो वो ऐसा नहीं चलेगा। ओके तो एनिमल्स, अब ध्यान से कौन कौन एग्जाम्पल सुनो, एनिमल्स हु हैव बैकबोन, ओके एनिमल्स हु हैव बैकबोन, जिनके बैकबोन होते हैं उनको बोलते हैं वर्टेब्रेट्स, याद है ना, वर्टेब्रेट्स ये तो पहले 6-7 में आता था, नहीं वो चैप्टर तो डिटेल्ड में है, वो डिटेल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ वर्टेब्रेट्स किसे बोलते हैं, ओके जिनकी बैकबोन होती है उनको वर्टिब्रेट्स बोलते हैं, ओके और जिनकी टेल्स होती है, जिनकी टेल्स होती है उनको एम्फीबियंस बोलते हैं, ओके यस। सो जैसे कि लिजार्ड, तो लिजार्ड है
तो तुम्हें जान के हमें पता है पूछ कट जाए तो नहीं आ जाती है सर। बट लिजार्ड की आंख, आई, जॉ, लिंब, टेल, सब कुछ वापस आता है। मत सब कुछ इन द सेंस जो ये बोला ये सब कुछ वापस आ जाता है। आंख भी तुमने देखी, मैंने तो देखी है बिना आंख वाली लिजार्ड, मैंने देखी है बिना आंख वाली लिजार्ड, और थोड़े दिनों बाद उसकी आंख आ गई। को भाई भूत, तब पता नहीं था ये सब। हाँ हो सकता है दूसरे किसी को देखा हो, लेकिन बिना आंख वाला तो देखा। दैट इज आई नो। हाँ बोलो सर। क्या? हाँ बोलो सर। मैं बोल रहा था। हाँ बोलो। क्या आधा ही काट दिया? देखो नहीं होगा ऐसे नहीं। जैसे कि हम हार्ट है, अभी हार्ट ब्रेन जो इम्पोर्टेंट है वहां पे अटैक किया तो गए, सिर्फ ऑर्गन कई कई ऑर्गन्स पे हुआ। जैसे उंगली कट गई तो हम जिंदा रहेंगे, ऐसा नहीं कि मर जाएंगे। सर ऐसा बोलते थे कि किसी का तो ग्रेन होता है। हाँ वो तो हमने डिस्कस किया था ना, वो क्या होता है आठ पैरों वाला ऑक्टोपस। हाँ ब्लू बोला था लेकिन मैंने ग्रीन भी बताया था किसी का। सर लिजार्ड क्या है? मतलब वो एम्फीबियन है या फ्लोगेंट? वो दोनों दोनों को मतलब ही इज एम्फीबियन, हुई इज वर्टिब्रेट्स आल्सो। मतलब वर्टिब्रेट्स तो बहुत बड़ा ग्रुप है सर, उसमें एम्फीबियंस भी आ गए। सर ये तो अपना ये लिजर्ड तो अपना रेप्टाइल है ना। रेप्टाइल मतलब वो रेप्टाइल के ग्रुप में भी आता है। देखो अगेन डिफरेंट डिफरेंट थिंग। जैसे तुम बोलोगे कि चिराग सर आप क्या हो, तो मैं तो टीचर हूँ, फिर मैं तो गाना भी गाता हूँ, सिंगिंग सिंगर भी हूँ, ह्यूमन थोड़ा बहुत डांस भी कर लेता हूँ, जिंदा हूँ, ह्यूमन बींग भी हूँ। वैसे यू कैन हैव मैनी टाइप्स। ओके लाइक दैट। हाँ चलो सो चलो वापस। हाँ सो स्टारफिश ऑल्सो डू द रीजनरेशन, बट स्टारफिश रीजनरेशन करती है, लेकिन हम उसको रीजनरेशन जैसे नहीं देखेंगे, क्योंकि सपोज ये स्टारफिश है, बहुत खराब स्टार है। चलो तो सपोज स्टारफिश है, उसका ये एक ऑर्गन चला गया, मतलब एक उसका एक स्टार चला गया। तो अब सिर्फ ये जो चला गया है वो पोर्शन नहीं आएगा, उसका फ्रेगमेंटेशन का पूरी की पूरी नई स्टारफिश आ जाएगी। एक्सेप्शन है लिविंग थिंग। यस एक स्टारफिश की, एक स्टारफिश की दो स्टारफिश, कुछ काटना पड़ेगा उसका ऑर्गन कटेगा तब। देखो उसको करना नहीं है, है रीजनरेशन, लेकिन हो जाएगा। नहीं वो लोग जानबूझ के रिप्रोड्यूस करते ही नहीं, बट ऐसे ही हो जाता है नेचुरली, मतलब एक्सीडेंटली। तो नहीं होगा, इसीलिए तो देखो स्टारफिश कहाँ इतनी सारी थोड़ी देखने को मिलती है। नहीं होगा बट हो ही जाएगा, कोई ना कोई आए नेचुरली। नेचर भी किसी को एक्सटिंक्ट होने नहीं देता वैसे जनरल, बट तुम रहने के लायक ही नहीं हो तो फिर नेचर निकाल देगा। हाँ चलो सर, ये स्टारफिश और ये सब रिलीज करते ही नहीं है? ऐसा नहीं करते हैं, बट नॉट बाय दैट। जैसे हमने बोला ना फ्रेगमेंटेशन एक मेथड है, ये तो सर्वाइवल है। अभी कट गया तो अभी नए स्टारफिश आ गए, सोचो फ्रेगमेंटेशन मैच्योर होंगे, ये होगा वो होगा तब होगा। ये तो ऑलरेडी है, कट गया और डायरेक्टली डबल हो गए, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि फ्रेगमेंटेशन से ज्यादा तो रीजनरेशन होगा, क्योंकि कितने एक्सीडेंट होते हैं, कोई दूसरा एनिमल्स आया, ये वो थोड़ा कट गया, ये वो, तो नए नए आ जाएंगे, तो मतलब और क्वांटिटी उनकी बढ़ जाएगी। ओके क्योंकि एक्सीडेंट ज्यादा होंगे ना, एक्सीडेंट ज्यादा होंगे, वैसे थोड़ी ज्यादा होगा। वैसे तो रिप्रोडक्शन मैच्योर हो, थोड़ा डबल हो जाओ, ये वो, उसके बाद साइज भी बड़ी हो गई, फिर जाके रिप्रोडक्शन। ओके बट वहां पर एक्सीडेंटली तो होता ही रहता है। लाइक देखो से लोग ये करते हैं, शो करते हैं स्टारफिश। नहीं वैसे शो
यही हमने देखा ना ये सारे ऑप्शन तो बोला कि इससे नहीं करते इनको अलग भी मेथड होता है मतलब नहीं नहीं मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि फ्रेगमेंटेशन एक प्रॉपर रिप्रोडक्शन मेथड है वैसे नहीं करते थे वो रीजनरेशन से करते ओके वैसे बोल रहा हूँ है तो असेक्सुअली ओके चलो सो हाँ पानी पी लो लाओ मैं भी पी लेता जो मल्टीपल फिशन था उसमें कैसे यीस्ट में बडिंग होता था तो वैसे यहाँ पर भी आउटग्रोथ होता है मतलब कि एक ऑलरेडी कोई है हमारा ऑर्गेनिज्म ओके उसमें ऐसे बड आया फिर बड बड़ा होता है और मैच्योर हो जाए उसके बाद ये निकल जाता है और फिर जहां निकल के गिरता है वहां पे वो ऑलरेडी सेकेंड हो जाता है लाइक दैट ओके सो आउटग्रोथ ऑफ बड एंड सेल डिविजन ऑन अ पर्टिकुलर साइड ये ऐसा क्यों होता है जहां पर जो साइट पे ऐसा नहीं है कि पूरी बॉडी में ही सेल डिवीजन हो रहा है जैसे हम फिशन में देखते थे तो क्या था कि पूरी बॉडी में सेल डिवीजन हो रहा है और बड़ी हो रही है साइज बड़ी हो रही है सबकी मतलब सारे सेल एपरेटस की साइज बढ़ रही है बट यहाँ पर क्या होता है एक पर्टिकुलर साइट पे सेल डिवीजन हो रहा है पूरे बॉडी में पूरे सेल में नहीं हो रहा है एक सेल की एक पर्टिकुलर साइट एक पर्टिकुलर जगह पे हो रहा है और अगर जो पर्टिकुलर जगह पे हो वहां पे ही बडिंग हो जाती है फिर बडिंग मैच्योर होने लगती है और मैच्योर होता है सो क्या वेजिटेबल्स में वो हाँ वेजिटेबल्स में भी उसी को बड बोलते हैं ना कि ऐसे सपोज स्टेम है और स्टेम के ऊपर से सपोज यहाँ पे ऐसे छोटा निकल गया और फिर वो ऐसे बड़ा होता जाएगा लाइक दैट
हाँ वो भी हम अभी देखेंगे, पोटेटोज जो है उसका भी हम कर सकते हैं डायरेक्टली। उनका तो ये होता है ना क्या है वो खाट नहीं, उसको हम फ्रेगमेंटेशन रीजनरेशन वैसा नाम नहीं देंगे उनके लिए, हम डायरेक्टली एक अलग से, क्योंकि वो वेजिटेबल की कैटेगरी में आता है तो हम उसको बोलेंगे वेजिटेशन प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्यों वेजिटेटिव? क्योंकि अगेन मेथड सिमिलर हो सकती है, ओके थोड़ी बहुत तो सिमिलर ही है, बट उसको वो पर्टिकुलरली वेजिटेबल में आता है इसलिए उसको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं। सो यूनिसेल्युलर यीस्ट देखो, तो बडिंग का एग्जांपल है हाइड्रा, ओके बडिंग का एग्जांपल क्या है? हाइड्रा। नाउ अगर यूनिसेल्युलर यीस्ट है, यीस्ट एक ही सेल वाली, उसमें भी ये होता है। तो देखो यीस्ट हमने देखा कि मल्टीपल फिशन भी कर रही थी और यीस्ट बर्डिंग भी कर रही है, तो एक ही, मैंने जैसे बताया ना कि उसको कैसे टाइप का एनवायरनमेंट मिलता है उस हिसाब से वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो मेथड एडॉप्ट करता है, ओके ना कि सिर्फ वो ही कर सकता है, और वो ही तो कर सकता है बट वो पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में सिर्फ वो कर सकता है, अगर एनवायरनमेंट चेंज किया तो अगेन वो कुछ और भी कर सकता है लाइक दैट, ओके। सो बाइनरी फिशन जो होता है उसमें हमने देखा, बाइनरी फिशन मल्टीपल फिशन में भी हमने देखा, तो बाइनरी फिशन और बर्डिंग में प्रॉब्लम मतलब थोड़ा भी डिफरेंस क्या है, तो थोड़ा भी डिफरेंस क्या है मतलब कि जो बाइनरी फिशन है उसमें जो डिवीजन होता है और जो दोनों हमारे पास जो आउटपुट डॉटर सेल मिलते हैं दोनों की साइज क्या हो जाती है, सेम हो जाती है, सेम मतलब पहले बड़े हुए बड़े हुए बड़े हुए और फिर जैसे ही फिशन हुआ दोनों सेम साइज के हो गए हैं, लेकिन हाँ लेकिन बर्डिंग में ऐसा नहीं होता। बर्डिंग में क्या होता है कि ये ऐसे बड़ा है, इसका बर्डिंग हो गया तो एग्जैक्टली जो बर्डिंग हुआ है एक तो था ही मोटा तो, और बर्डिंग हुआ तो वो ऐसे छोटा, तो दोनों की साइज डिफरेंट होता है। हाँ मतलब जब बड़ा तो होगा ना उसकी ग्रोथ में, लेकिन जब सेपरेट होगा तब तो वो छोटा ही है, फिर अब वो धीरे 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 बड़ा होगा, लेकिन उसमें क्या था बाइनरी फिशन में जैसे ही सेपरेट हुए दोनों सेम साइज के ही थे, वैसे सेम साइज के थे, अब दोनों सेम साइज के हैं, अब दोनों की ग्रोथ हो रही है, लेकिन यहाँ पर दोनों जब फिशन हो जाता है मतलब दोनों सेपरेशन हो जाता है तब वो सेम साइज के नहीं होते हैं। तो यीस्ट को मल्टीपल फिशन के एग्जांपल लिखे या बडिंग? नहीं यूनिसेल्यूलर यीस्ट हो, यूनिसेल्यूलर उसमें हम बडिंग लिखेंगे, अदरवाइज उसको फिशन लिखेंगे। हाँ लेकिन यूनिसेल्यूलर बोला हमने तो अभी अभी हम बडिंग में लिख लो, मतलब अगेन जैसे मैंने बताया डिपेंडिंग अपॉन दी एनवायरनमेंट वो करेगा। तो अगर तुम्हें ऐसा पूछेंगे कि यीस्ट क्या कर सकता है तो फिर तुम्हारा बडिंग ऑप्शन होगा या तो फिशन ऑप्शन होगा, दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, नहीं ऐसे क्वेश्चन पूछना, हाँ वैसे वैसे आंसर भी होगा फिर कि बोथ ए एंड बी, अदरवाइज क्वेश्चन ही ऐसे नहीं पूछेंगे, वो पूछेंगे ही नहीं कि वो डायरेक्ट ऐसा पूछेंगे कि मल्टीपल फिशन किस में हो रहा है, और फिर तुम लिखोगे कि स्पाइरोगायरा और से प्लाज्मोडियम और ये जो तुम्हें ऑप्शन है वो हाइड्रा यीस्ट हाइड्रा, तो हम फिर क्या लिखेंगे हाइड्रा फिशन, फिशन का बोला तो फिर स्पाइरो तुम स्पाइरो नाउ ये तो छोटा सा था, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज स्पोर फॉर्मेशन, ओके पहले स्पोर फॉर्मेशन देखते हैं। सो स्पोर फॉर्मेशन में क्या हो रहा है, अगेन जो स्पोर फॉर्मेशन है, एक स्टोरी बताता हूँ, एक ट्री है जैसे कि एक ट्री है बड़ा सा ट्री है, ओके जो गुआवा का ट्री है, अमरूद अमरूद का, ओके तो वो हुआ बड़ा हुआ उस पर फ्रूट आ गए गुआवा आ गए, अब मंकी आया गुआवा खाया आधा खाया और आधा खाता खाता ऐसे जा रहा है और फिर जहाँ पे बस बहुत खा लिया फेंक दिया और चला गया, अब जहाँ फेंका है वो गुआवा के सीड वहाँ चले गए,
तो नेचर की हेल्प कर रहा है कि गुआवा का पेड़ सिर्फ वहां एक जगह था और उससे कितनी दूर डिस्टेंस पे दूसरा गुआवा का पेड़ आ गया। तो हम सोच रहे होंगे कि कौन कर रहा है जंगल में प्लांटेशन। ओके बट दैट प्लांटेशन इज डन बाय डिफरेंट एनिमल्स, बर्ड्स, एनिमल्स एंड अगेन विद द हेल्प ऑफ एयर, विद द हेल्प ऑफ फ्लड, विद द हेल्प ऑफ रेन। ओके तो वो डिफरेंट चीजें हो जाती है और हम सोचेंगे कि अरे ये कैसे हो रहा है, बट देखो कितना सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है नेचर का। नहीं तो सोचो कि इतने सारे के कोई जंगल में प्लांटेशन करने तो जाता नहीं है कि चलो आम लगाए, चलो अमरूद लगाए, ऐसा कोई करता नहीं है। फिर भी फॉरेस्ट में तो सभी पेड़ होते हैं। ओके तो वो कैसे बढ़ते हैं, ऐसे बढ़ते हैं। ओके तो अब ये याद रखना, तो यहाँ जहाँ सीड चला गया वो जगह पे लॉन्ग डिस्टेंस पे भी वो पर्टिकुलर वही टाइप का पेड़ वापस एक सीड में से पूरे का पूरा पेड़ हो जाएगा, ट्री हो जाएगा। तो इसमें होता क्या है, इट्स लाइक जो सबसे पहले हमने ये देखा था सीस्ट। ओके तो स्पोर फॉर्मेशन में भी एक कवरिंग बन जाती है, दैट कवरिंग इज नोन एज सीस्ट। ओके नाउ स्पोर फॉर्मेशन जनरली जो एल्गी होती है उसमें होता है, जनरली की बात है। ओके सो वो जो एल्गी है वो अगेन दो, हाँ वो राइजोबियम का भी देखेंगे, राइजोपस का। तो ये जो एल्गी है, सपोज एल्गी है, तो एल्गी में भी वैसे ही वो लोग रेप्लिकेशन होना स्टार्ट हो जाते हैं और जैसे ही उनको सही सही एनवायरनमेंट मिलेगा वो बर्स्ट हो जाएंगे, सेम लाइक दिस। ओके सेम लाइक दिस। नाउ सपोज ब्रेड मोल्ड है, ब्रेड मोल्ड। ओके तो उसके ऊपर तुम्हें देखना राइजोपस आ जाता है, मतलब वन टाइप ऑफ फंगाई। ओके तो राइजोपस आ गया है। अब राइजोपस है तो जनरली राइजोपस कैसा होता है, ऐसे कैसे है और ऐसे है। तो उसकी जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं हाइफे। ये एक्चुअली नहीं पूछा जाएगा लेकिन अभी मैं थोड़ा बता रहा हूं तो थोड़ा बाकी क्यों रखू इसलिए मैंने बता दिया है। तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं हाइफे। ओके एंड जो एंड पे होता है, ये एंड पे जो होता है उसको बोलते हैं स्प्रॉन्जियम। ओके स्प्रॉन्जियम ये ओके जो एंड पे होता है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के एंड पे होता है उसको क्या बोलते हैं, स्प्रॉन्जियम। और ये स्प्रॉन्जियम के अंदर ही स्पोर्स होते हैं, मतलब ये अगेन वही वाला है। स्प्रॉन्जियम के अंदर ही स्पोर्स होते हैं डॉट 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 डॉट, और वो रेप्लिकेट होते हैं। और जैसे ऐसा समझो कि ब्रेड है, ब्रेड पे ये राइजोपस है। अब ये राइजोपस बिकॉज ऑफ एनी एक्शन वो सिस्ट बनाए, सिस्ट बना के ग्रो हुए, घुए, रेप्लिकेट हो गया। हाँ वैसा ही है, मल्टीपल फिशन जैसा ही है, बट यहाँ पे वैसा ही है। ओके बट यहाँ पे पर्टिकुलरली जो ऑर्गेनिज्म है उसको फिक्स कर दिया गया है कि जनरली फंगाई में जो होता है उसको हम यही बोलेंगे। ओके तो होगा क्या कि यहाँ यहाँ जो सिस्ट बना है अब अनफेवरेबल सिचुएशंस में वो बढ़ता जाए, मतलब सिस्ट बना हुआ है अंदर रेप्लिकेट होता जाएगा लेकिन बर्स्ट नहीं होगा। और फिर जब वो फेवरेबल सिचुएशन आ जाए, और फेवरेबल सिचुएशन जनरली क्या होती है, फेवरेबल सिचुएशन विल बी मॉइस्ट कंडीशन, जहाँ पे वाटर वेपर भी हो, थोड़ा बहुत टेम्परेचर भी हो, मॉइस्ट कंडीशन आ जाएगी। वो मॉइस्ट कंडीशन जैसे ही आई ये बर्स्ट हो जाएगा। बर्स्ट हो गया तो ऐसा समझो कि थोड़ा तो थोड़ा जो राइजोपस है वो यहाँ गिरा और थोड़ा यहाँ गिरा ऐसे, और जो यहाँ गिरा है उसके लिए अगर सही सही एनवायरनमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ जो गिरा उसके लिए सही एनवायरनमेंट है क्योंकि वो ब्रेड के ऊपर है। ओके तो ये क्या करेगा, यहाँ पर भी स्पोर्स आ जाएंगे। समझ में आया? तो वैसे होता है स्पोर फॉर्मेशन जो प्लांट होता है डैंडेलाइट, तो उसमें ऐसा होता है ये स्पोर फॉर्मेशन किसमें, डैंडेलाइट से वो जो ऐसे उड़ता नहीं जिसके ऊपर ग्लास पर ऐसा लगा आता है व्हाइट, हाँ हाँ उसमें ऐसा ही होता है, हाँ उसमें ऐसा ही होता है, स्पोर फॉर्मेशन होता है। सो जो स्पोर होता है उसकी वॉल बहुत ज्यादा थिक होती है ऑब्वियसली फॉर सेफ्टी रीजन। ओके
अंडर द फेवरेबल कंडीशंस दी स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल्स अदरवाइज रिमेन पैक्ड. मतलब देखो वहां पे क्या था, अनफेवरेबल सिचुएशंस में सिस्ट बन गई, सिस्ट बन गई और जैसे ही फेवरेबल सिचुएशन आ गई वो फट गए, बर्स्ट हो गए. यहाँ पर क्या है कि देखो फिर से सुनो, अंडर द फेवरेबल कंडीशन स्पोर्ट्स जर्मिनेट, मतलब स्पोर्ट्स अंदर फेवरेबल सिचुएशन में ही जर्मिनेट करेंगे. वहां पे फेवरेबल हो या अनफेवरेबल हो और एप्लीकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा कब, जब मैच्योर हो जाएंगे तब. यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फेवरेबल सिचुएशन में वो लोग जर्मिनेट करते हैं और अगर सही से सब कुछ हो गया जर्मिनेशन तब जाके बर्स्ट हो जाएंगे. ऐसा नहीं कि जब फेवरेबल सिचुएशन आएगी तभी बर्स्ट होंगे. यहाँ की कंडीशन क्या है, फेवरेबल सिचुएशन आएगा तभी बर्स्ट होगा, वैसा नहीं है. वो केस वहां पर है, यहाँ पे बर्स्ट हो ही जाएगा, मैच्योर हो गया, बर्स्ट हो गया, थोड़ा यहाँ गिरा, इनको वापस फेवरेबल सिचुएशन मिली, वो ग्रो कर गया, इनको नहीं मिली तो वो ग्रो देख भी नहीं सकते. समझ में आया? ओके, यहाँ पर फेवरेबल सिचुएशन हो या ना हो बर्स्ट हो जाएंगे, जैसे ही एप्लीकेशन खत्म हो गया बर्स्ट हो जाएंगे. वहां पर ऐसा नहीं होगा. देखो फिर से पढ़ रहा हूं, याद रखना, अंडर द फेवरेबल कंडीशन स्पोर्ट्स जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल्स अदरवाइज रिमेन्स पैक्ड. वो किसमें, इसमें शायद मैं उल्टा बोल गया. हाँ, तो फेवरेबल वो बस्ट हो गई. हाँ नहीं तो वो उसमें होगा. हाँ तो ये लोग बस्ट होंगे ही नहीं, ये पैक्ड रहेंगे. पैक्ड ओके, वो क्या रहेंगे, पैक्ड ही रहेंगे. फेवरेबल सिचुएशंस नहीं मिली तब तक वो स्पोर्ट्स ऐसे ही पैक्ड रहे, पैक्ड रहे, अंदर भले ही ग्रो कर रहे हैं. ओके लाइक दैट. और जैसे अंदर ग्रो कर रहे हैं मतलब सिस्ट बना हुआ है ना, तो सिस्ट के अंदर एप्लीकेशन चल रहा है उनका, वैसे अंदर ग्रो कर रहे हैं लेकिन वो बाहर के एनवायरमेंट में नहीं आए. ओके, और जैसे वहां पे क्या था हमारा मल्टीपल फिशन में कि वो मैच्योर हो जाए तो बर्स्ट हो जाएंगे. वहां पर पूरा खत्म हो गया है एप्लीकेशन. नहीं नहीं सोचो, सिंपली रखो, कंफ्यूज मत हो. फिर से बताता हूँ, स्पोर फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है, पहले सिस्ट बन गया है. सिस्ट बनने के बाद वहां पर एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा. जनरली कब स्टार्ट होगा, जब वो लोग मैच्योर हो गए इसके बाद एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा. मैच्योर होने के बाद रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गया और रेप्लिकेशन स्टार्ट होने के बाद स्पोर पूरा भर गया है, मैच्योरेशन हो गया है. अब क्या होगा, यहां पर भी मैच्योरेशन हो गया, ये मेथड में भी सेम ही होने वाला है, यहां तक सेम है. अब ये मेथड को, यहां जो स्पोर बना है उसको अगर फेवरेबल कंडीशन नहीं मिली तो ये बर्स्ट नहीं होगा, वैसे का वैसा ही रहेगा, पैक्ड रहेगा. जब फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तब जाके वो बर्स्ट करेगा. ये बस्ट कर ही देगा कोई भी सिचुएशंस हो. ओके, अब बस्ट किया उसने तब जब वो सारे सेल्स जहां जहां गिरे तो वो सेल्स गिरे अगेन अनफेवरेबल सिचुएशंस में गिरे होंगे तो गए, वेस्ट हो गया सारा रेप्लिकेशन एंड ऑल. लेकिन फेवरेबल में गिरे तो वो मतलब बेनिफिट में आ जाएंगे कि उनका रिप्रोडक्शन हो गया लाइक दैट. समझ गए? सो अंडर द फेवरेबल कंडीशंस स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल्स अदरवाइज रिमेन पैक्ड. पैक्ड किसमें रहते हैं, लास्ट जो हमने स्पोर फॉर्मेशन देख, स्पोर फॉर्मेशन में पैक्ड रहते हैं. मल्टीपल फिशन में तो फिशन होता ही रहता है, टुकड़े हो जाएंगे. फिर फेवरेबल हुए, नाम ही है ना फिशन, मैच्योर हो गए तो रेप्लिकेशन स्टार्ट, और रेप्लिकेशन हो गया तो फिर हो जाएगा डायरेक्टली फिशन हो जाएगा, एनवायरमेंट में चले जाएंगे. अभी एनवायरमेंट फेवरेबल है तो ग्रो करेंगे, फेवरेबल नहीं है तो डेथ किल. ओके, यहां पर ये सेफ्टी से खेल रहे हैं, जैसे ही फेवरेबल सिचुएशन मिलेगा तभी बस्ट करेंगे, अदरवाइज पैक रहेंगे कि सिर्फ अभी नहीं खेलना है. लाइक टीम वर्क है. यस, नहीं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हम कल करेंगे. नहीं उसके लिए मैंने थोड़ी नोट्स तुम्हारी थोड़ी बड़ी बनाई है, तो टाइम लगेगा, 2 पेज 1.5 पेज. तो ये जितना हमने डिस्कस किया वो बुक में से पढ़ लेना.